ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अंदर बहुत अलग गेम है, तो वो आप लोगों ने काम पूरा बताया। बिग बॉस मुर्दाबाद, बिग बॉस मुर्दाबाद। अभी किशन भैया आए, वो भी हमको बोल रहे कि अरे शिवानी धीमे बोला करो। बिग बॉस में हमेशा वीकेंड का वार होता है, आज मैं बिग बॉस पर वीकेंड का वार करने वाला हूँ। बिग बॉस में काका हो तो काका दिखाओ, जा तो काका नहीं दिखाओगे। बहुत सारे मेरे यहाँ पर क्वेश्चन है, जो सिर्फ मेरे क्वेश्चन नहीं है, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। जिस तरीके से बिग बॉस इस बार पूरा का पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने बिग बॉस से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एक एक क्वेश्चन बिग बॉस के ऊपर वार की तरह होने वाला है। और भाई बिग बॉस अभी से बोल रहे हैं कायदे में आ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि जो हमारे प्रश्न है वो बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है। जिस तरीके से तुम पूरा का पूरा मैच इस बार फिक्स कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। एक एक क्वेश्चन मैं बिग बॉस से पूछना चाहता हूँ। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ और बिग बॉस से पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रणवीर सोरे की कभी भी किसी भी वीकेंड वार में क्लास क्यों नहीं ली गई? क्यों नहीं ली गई? क्योंकि वो बॉलीवुड का पर्सन है, क्योंकि वो मुंबई का पर्सन है, इसलिए उसकी क्लास नहीं ली गई। एक बात बताइए, मैं बिग बॉस से क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया रणवीर सोरे एक कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस के अंदर आए हैं, तो क्या रणवीर ने कोई गलती नहीं की? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या कभी रणवीर सोरे ने कोई गलती नहीं की? अरे हजार गलतियां की है, हजार तक। कितनी गंदी तरीके से उसने बात की, कितनी गंदी गंदी गालियां उसने दी, और शिवानी के साथ में तो कभी भी उसका अच्छा नहीं चला। लेकिन कभी भी किसी भी वीकेंड के वार में अनिल कपूर जी ने कभी भी उनके ऊपर वार नहीं किया, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि भैया वो बॉलीवुड के पर्सन है ना। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से बिग बॉस पूरा का पूरा मैच फिक्स कर रहा है। रणवीर सोरे ऐसा लगता है पूरा का पूरा बिग बॉस वही चला रहे, उनका एटीट्यूड तो ऐसा ही कुछ कहता है ना, इसीलिए तो उनके ऊपर कोई क्लास नहीं लगी। आप लोग बताइए दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? भाई सबकी क्लास अगर लग सकती है तो भैया रणवीर सोरे की भी लग सकती है ना। भाई वो एक कंटेस्टेंट के रूप में तो वहां पर है, फिर गलती चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी करे, अगर वो कंटेस्टेंट के रूप में किसी शो में गया है तो उसकी भी क्लास लगनी चाहिए, और यही बिग बॉस का नियम है, जो कि रणवीर सोरे के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुआ। बाकी सबके ऊपर अप्लाई हुआ, लेकिन रणवीर सोरे के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ, और यही रीजन है कि रणवीर सोरे पूरे के पूरे बिग बॉस सीजन में भैया अलग एटीट्यूड में घूमते रहे, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है, और यही से पता चलता है कि मैच पहले से फिक्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिग बॉस की चाल। बिग बॉस क्या चाहता है कि इस बार जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी को बाहर किया जाए, और भैया किसी बॉलीवुड के पर्सन को या मुंबई के पर्सन को ही बिग बॉस का विनर बनाया जाए, क्योंकि लास्ट जो OTT सेकंड हुआ था बिग बॉस का, उसमें भैया एक यूट्यूबर जीत हासिल कर लिया था जिसका नाम था एल्विस यादव। ठीक है, अब भैया एल्विस यादव जीत गए तो बॉलीवुड में मुंबई में तहलका मच गया कि अरे भैया ये यूट्यूबर्स भैया इतना तहलका कैसे मचा रहे हैं। अरे भैया यूट्यूबर्स क्या है, आज की डेट के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और दुनिया जानती है कि आज की डेट पर लोग टीवी को छोड़ करके मोबाइल पर आ गए, बात समझ रहे हैं। और इसीलिए शायद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं, कैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं यूट्यूबर के साथ खड़ा रहूं, और यही सच है। आप लोग बताइए, जिस तरीके से पूरे के पूरे शो में यूट्यूबर्स को ही टारगेट किया गया, शिवानी को टारगेट किया गया, विशाल को टारगेट किया गया, और भैया इतना ही नहीं, अभी आज ही क्या हुआ है कि भैया इन्होंने लव कटारिया को बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर दी। हमेशा जब भी वोट हम लोग करते हैं तो किसी पर्सन को बचाने के लिए करते हैं कि ताकि वो घर से बाहर ना हो, लेकिन इस बार बिग बॉस ने ऐसा गेम खेला कि भैया वोटिंग किस लिए करवा दी, कि वोटिंग जो करवा रहे हैं वो इस बेस पर करा रहे हैं किसको आप गेम से बाहर करना चाहते हो। 99% लोगों को ये नहीं पता है कि वोटिंग हम किस लिए कर रहे हैं, उनको ये पता है कि भैया हम वोटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इस बंदे को हम घर में सेव कर सके, और जब कोई बंदा उसको ध्यान दिया कि ऊपर भैया ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो भैया कहानी बदल गई, क्योंकि आपको पता है कि लव कटारिया की फैन फॉलोइंग अपने में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है ना, जिस बेस पर सारी चीजें गड़बड़ हुई। अब ये सब चीजें क्या दिखाता है, आप बताइए क्या दिखाता है कि भैया मैच पहले से फिक्स है, यूट्यूबर्स को बाहर किया जा रहा है। एक बात बता दे, बॉलीवुड अच्छी तरीके से जान गया है, बिग बॉस अच्छी तरीके से जान गया है कि भैया यूट्यूबर्स की टक्करी तो कोई नहीं ले सकता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टक्करी कोई नहीं ले सकता, और यही रीजन है कि बिग बॉस जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस है, उनका कैसे यूज करना है,
है ना। मैं तो भैया यही बोलूंगा एज अ यूट्यूबर कि भाई बिग बॉस के शो में कोई भी कंटेस्टेंट बन के ना ही जाए तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि आप जाएंगे बिग बॉस के अंदर और होगी आपकी वहां घोर बेइज्जती, कूटे जाएंगे, लतियाए जाएंगे, जो आपकी बनी बनाई इज्जत है वो भी फालूदा हो जाएगी। और साथ ही साथ मैच तो पहले से ही फिक्स है कि जिताना किसको है, जीतना किसको है। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने बिग बॉस के अंदर देखी। उनका टारगेट तो सिर्फ एक ही है, यूट्यूबर्स की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो भी ऑडियंस है वो अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और यही रीजन है कि यूट्यूबर्स को बुलाया जा रहा है बिग बॉस के शो में, बस यही रीजन है। बस जानना ये है आप लोगों को, सतर्क रहना है कि भैया बिग बॉस सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है, इसलिए भैया सतर्क हो जाओ, क्योंकि आज विशाल पांडे की बेइज्जती हुई है तमाचा खाकर, कल कहीं आपकी भी ना हो, इसलिए सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है, जब अरमान मलिक ने विशाल पांडे को तमाचा मारा तो भैया अरमान मलिक बाहर क्यों नहीं हुआ शो से? शो का नियम क्या है कि भैया लड़ाई नहीं कर सकता, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, तो जब भैया अरमान मलिक ने विशाल पांडे के ऊपर हाथ उठा दिया तो आप लोग जेन्युइन बताइए नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, अरमान मलिक को बाहर होना चाहिए। लेकिन बिग बॉस ने क्या किया कि भैया वहां के लोगों के हिसाब से, कंटेस्टेंट के हिसाब से फैसला सुनाया कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि अरमान मलिक ने सही किया कि गलत किया। अब सिंपल सी बात है यार, जो तमाचा किसी को मारेगा उसको ये लगेगा कि उसने सही वे में तमाचा मारा है, और सामने वाले भी इस बात को समझेंगे कि तमाचा मारा गया है सही वे में या गलत वे में। बात समझ रहे ना भाई, कोई किसी को अगर मार रहा है शो के अंदर तो ऐसे हवा में नहीं मारेगा, कोई ना कोई पर्पज होगा। और जब बहुत सारे वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि भैया सही कौन है गलत कौन है, तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे तमाचा मारने वाला सही है, क्योंकि उसके पास एक पर्पज है। और इस चीज को लेते हुए ही बिग बॉस में भैया सुनाया गया कि अरमान मलिक पूरे के पूरे सेशन के लिए एलिमिनेट होते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाहर नहीं किया गया। नियम तो ये है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, अरमान मलिक को बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर शो के अंदर होगी तो यार ये गलत है। क्योंकि देखो वहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हो, चाहे वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सभी के सभी अपने आप में एक दिग्गज, क्योंकि जितनी वैल्यू किसी बॉलीवुड पर्सन की है उतनी वैल्यू आज की डेट पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है। और यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, इसलिए नहीं कि आप तमाचा खाए, इसलिए ताकि आप अपनी इज्जत बढ़ाएं, अपने परिवार की, अपने खानदान का नाम रोशन करें। लेकिन ऐसे शो में जा करके क्या होगा, अपनी इज्जत का फालूदा बनवा लेंगे आप लोग, जो कि विशाल पांडे के साथ हुआ है। आप लोग बताइए गलत हुआ कि नहीं, अरमान मलिक को बाहर होना चाहिए था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जिस तरीके से शिवानी और विशाल पांडे को बाहर किया गया क्या वो सही है? शिवानी एक नंबर का गेम खेल रही थी, एक नंबर का, बाहर उसको इतना प्यार मिल रहा था, इतना प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन बिग बॉस अच्छी तरीके से जानता था कि भैया शिवानी कहीं विनर ना बन जाए, क्योंकि इसको प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने तरह तरह के एक्टरों को बुलवा करके उसको भैया फालतू की बातें सुनवाई, प्लस ऐसी तरीके से शिवानी को बाहर किया जो तरीका सही नहीं था। मैं लिख कर कह सकता हूं कि अगर शिवानी को वोटों के आधार पर बाहर किया जाता तो कभी जिंदगी में शिवानी बाहर नहीं आती, 100% कह सकता हूं, विनर तक बन सकती थी वो। और विनर बनती है ना बनती, टॉप 5 में फिनाले तक तो वो 100% पहुंचती, लेकिन बिग बॉस ने तो भैया पहले से ही कुछ फिक्स करके रखा है और वही चीज वो कर रहा है। छठवां क्वेश्चन, बिग बॉस की साजिश है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो ऑडियंस है उसको बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, बस इतना ही उनका टारगेट है, और इसीलिए सारे के सारे गेम खेले जा रहे हैं। दिखावे के रूप में तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया जा रहा है, लेकिन खेल कुछ और ही खेला जा रहा है। ये बात आपको गेम में दिखी या नहीं दिखी कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मैं आज जितने भी मुद्दे उठा रहा हूं वो सारे के सारे मुद्दे रियल हैं, कोई फर्जी नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया पूरे के पूरे गेम में वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बिल्कुल 100% जेन्युइन एक्सपीरियंस। हालांकि मैं इस तरीके के वीडियो बनाता नहीं हूं, मैं आपको सिखाता हूं कैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं, कैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर चीजें गलत थी, तो एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे ये सारी चीजें गलत लगी, तो मुझे लगा कि मुझे सब बातें आप सभी के सामने रखनी चाहिए। रणवीर सोरे तो भैया एक नंबर का क्या है ना, उसको क्या ही बताएं भाई। हम तो एक समय पर था जब रणवीर सोरे के फैन थे, लेकिन आज भैया हम उनसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के डिसीजन रणवीर सोरे ले रहे हैं बिल्कुल गलत डिसीजन। रणवीर सोरे की वजह से ही शिवानी बाहर हुई, रणवीर सोरे की वजह से ही विशाल पांडे बाहर हुआ, और उसी की गंदी हरकतों की वजह से ही
लव कटारिया भी बाहर हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैच पहले से फिक्स है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैच इसलिए मैं फिक्स कह सकता हूँ कि शिवानी को बाहर कर दिया गया अंदर के कंटेस्टेंट के वोट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विशाल को बाहर किया गया बाहर के वोट के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब लव कटारिया बचे हैं, तो वोटिंग किस तरीके से भैया बिग बॉस करा रहा है कि भैया वहां पर लिख क्या दिया किसको किसको आप लोग बाहर करना चाहते हो, जबकि वोट हम लोग किस लिए देते हैं, किसको किसको हम लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं, है ना। अब भैया लव कटारिया की तो अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो ज्यादातर लोग उसको वोट करेंगे, और ये चीज अच्छी तरीके से बिग बॉस जानता है कि उल्टी गिनती जरूर होगी, मतलब लोग उल्टा जरूर देखेंगे। ज्यादातर लोग ऊपर पढ़ते नहीं कि क्या लिखा है, ज्यादातर लोग जाते हैं वोट कर देते हैं, बात खत्म, है ना। तो बिग बॉस देखो कितना गंदा खेल खेला है कि किसी भी हाल पर यूट्यूबर्स को बाहर करना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बाहर करना है, बस कितना गंदा गेम है यार। मैं तो कहता हूँ यार, कभी भी किसी भी सोशल, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बड़ा यूट्यूबर हो छोटा, डजंट मैटर यार, ऐसे शो में कभी मत जाना यार, जहाँ पर इस तरीके का गंदा खेल खेला जाता है वहां पर कभी मत जाना, क्योंकि बेइज्जती तुम्हारी होगी अलग, साथ में मिलने वाला कुछ नहीं है, तुम्हारा मेहनत का फल कोई और ले जाएगा। तुमने मेहनत करके इतनी प्यारी ऑडियंस बनाई है और उस ऑडियंस को कोई और ही लूट के ले जाएगा, और यही हो रहा है बिग बॉस के अंदर। रणवीर सोरे का तो क्या ही कहा जाए, भैया जब उनको बुलाया गया अंदर, पूछा गया आप किसको किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, शिवानी को करना चाहते हैं, विशाल को करना चाहते हैं, और भैया किसको बचाना चाहते हैं, अरमान मलिक को, और भैया लव कटारिया को बाहर करना चाहते हैं। एक बात बताओ रणवीर सोरे से, मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई एक बात बताओ, क्या अरमान की जो पत्नी है क्या वो सही गेम खेल रही है, आप बताइए बताइए। और ये जो नेजी है क्या सही गेम खेल रहा है, और भी जो कंटेस्टेंट है क्या वो सही गेम खेल रहे हैं, नहीं। जो पूरे के पूरे गेम की मेन जड़ थी, मेन एंटरटेनिंग पार्ट था, आपने उनको ही बाहर कर दिया, क्यों, क्योंकि शायद मैच पहले से फिक्स था, है ना, इसलिए आपने उनको पहले से बाहर कर दिया, तीनों को तीनों लोग गेम से बाहर, अब भैया कुछ नहीं बचा गेम, और इसीलिए मैंने भी बिग बॉस देखना टोटल बंद कर दिया है। अगर आपको लगा है कि मेरी बातों में दम है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने दिल की बात अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो जोर शोर से उठाऊं, और हाँ अगर आपको भी लगता है कि आप अपने दिल की बात जोर शोर से उठाओ तो वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये बिग बॉस की सच्चाई लोगों तक सामने आए। और हाँ, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप लोग यूट्यूबर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।